हवामान विभागे गुजरात में छूटाछवाया विस्तारों में सामान्य वरसादनी झापटानी संभावना व्यक्त करी छे। जे अनुसार आगामी बे दिवस दरमियान सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात में सामान्य वरसादी झापटा रहेशे अने कच्छ में वातावरण मुख्यत्वे सूकू रहेशे। समग्र राज्य में चोमासानी शुरुआती एटले के 1 जून थी 19 सप्टेम्बर सुधी में वरसाद 44% वरसाद वधु वरस्यो छे। हाल सप्टेम्बर एटले के भादरवा महीना में गरमी वधता उकळाट वधवानी संभावना छे अने आगामी दिवसों में राज्य में तापमान 34 થી 35 ડિગ્રી સુધી જવાની શક્યતા गुजरात रीजन की बात करेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए सौराष्ट्र रीजन में लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान आइसोलेटेड प्लेसेस पे है और डे 3, डे 4, डे 5 और डे 7 सौराष्ट्र और कच्छ रीजन ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और डे 7 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन का पूर्वानुमान है और कच्छ रीजन आने वाले 7 दिनों तक ड्राई रहेगा। और रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो अब तक 1 जून से लेकर आज 19 अगस्त तक जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है गुजरात एज ए होल स्टेट वो है 973 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 677 मिलीमीटर होना चाहिए तो प्लस 44% गुजरात एज ए होल स्टेट नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेन हुआ है 1 जून से लेकर आज 19 अगस्त तक। और रीजन वाइज बात करेंगे तो गुजरात रीजन में 1108 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 885 मिलीमीटर रेनफॉल होना चाहिए तो प्लस 25% नॉर्मल के हिसाब से गुजरात रीजन में ज़्यादा बारिश हुई है 1 जून से लेकर आज तक। अभी जो विंड प्रिवेल कर रही है गुजरात एज ए होल स्टेट लैंड रीजन पे वो वेस्टर्ली टू साउथ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल कर रही है और जो टेम्परेचर की टेंडेंसी है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ गुजरात और साथ में ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में टेम्परेचर की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीजिंग टेंडेंसी है बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति है। और अहमदाबाद में टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो 32 डिग्री सेल्सियस और आज के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। मौसम